वेलकम बैक ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम की जानिब से मैं हूँ इंस्ट्रक्टर उस्मान चेबास और कोरल ड्रॉ X6 ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में हम टूल्स का यूज़ सीख रहे हैं। इस लेक्चर में हम कलर और एट्रीब्यूट आईड्रॉपर टूल्स को सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कलर और जो है एट्रीब्यूट आईड्रॉपर टूल जो है ये हमारी वर्किंग को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से कलर आईड्रॉपर टूल को सीखेंगे। दोस्तों कलर आईड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करने के लिए अपने टूल बॉक्स में से नीचे से चौथे नंबर पे आपको कलर आईड्रॉपर टूल मिलेगा। ये देखिए क्लिक को दबाए दबाए आपको दो टूल नज़र आ रहे हैं। तो पहले कलर आईड्रॉपर टूल है, इसको समझने से पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसको कोई भी कलर यहाँ से अप्लाई कर दें। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, उसको मैंने कोई भी कलर लगाया हुआ है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर कोई और शेप बनाऊँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया हुआ है। अब मैं इसके अंदर जो कलर करना चाहता हूँ वो सेम यही हो, यानी कि इसके अंदर से ज़रा बराबर का भी कलर में फ़र्क ना आए, 100% यही कलर इसमें लग जाए। तो इस कलर को कॉपी करने के लिए हम कलर जो है आईड्रॉपर टूल जो है यूज़ करते हैं। तो कलर आईड्रॉपर टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और अपनी इस शेप पे क्लिक करते हैं। आपने जैसे क्लिक किया है ऊपर वो कलर सेलेक्ट हो चुका है और आपका जो ये माउस है वो एक बाल्टी सी की शक्ल में तब्दील हो चुका है पेंट बकेट में। जहाँ पर आपने अप्लाई करना उसमें जाके क्लिक कर दें, सेम वही कलर आपकी दूसरी शेप पर भी कॉपी हो चुका होगा, उस पर भी लग चुका होगा। इस तरह से आप किसी भी शेप पे कोई भी कलर लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हमने ये जब सेलेक्ट किया हो तो हम यहाँ से इस जो हमारा कोरल ड्रॉ है इसकी विंडो के अंदर अंदर से कहीं भी कलर कोई भी कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम अगर अपनी विंडो की टास्क बार पर जाते हैं तो वो टूल गायब हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर हमें ऑप्शन दी गई है सेलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप बेशक अपनी टास्क बार से कलर उठा लें, बेशक जिस जगह पर भी जाएँ आप वहाँ से कलर उठा सकते हैं और क्लिक करने पर कलर उठाया जाएगा और वापस क्लिक करने पे आप वो कलर लगा सकते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर मैं काफ़ी रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं, काफ़ी शेप्स हैं। यहाँ पे हमने ऊपर हमें यहाँ पर एक कलर पिकर नज़र आ रहा है और एक जो है पेंट बकेट अप्लाई कलर नज़र आ रहा है। अगर हम अप्लाई को सिलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट है, क्लिक करते जाएँ जितनी भी लगाने लगा रहे हैं। इसी तरह अगर आपने कहीं से कलर और उठाना है तो फिर आप वो पिकर टूल ले लें। डेस्कटॉप से उठाना है तो डेस्कटॉप से भी उठा सकते हैं। और अगर ये तो अभी हमें टास्क बार नज़र आ रही है, हम इसको जो है रिस्टोर डाउन कर लेते हैं और अब यहाँ से हम जो हमारा वो टूल है उसको सिलेक्ट करते हैं। नीचे टूल है ये, तो हमने कलर आईड्रॉपर टूल को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। और अब आप जहाँ मर्जी से देखें सेलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लें और जहाँ मर्जी से बेचक ये स्काइप का आइकन है किसी भी जगह पे जाके सेम एग्जैक्ट उसी का कलर आप उठा सकते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया, सेम ये कलर यहाँ से कॉपी हो चुका है और जहाँ पर लगाना है आप लगा दें, सेम टू सेम आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे पास ये सर्कल जो है उसके ऊपर वो ओरिजिनल साइज जो है हमारे स्काइप का वो लग चुका है, इसी तरह अब हम इसको भी बिल्कुल स्काइप के आइकन की तरह बना सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने ये देखे सिर्फ एक सेकेंड के अंदर ये स्काइप का जो आइकन है लोगो है वो बना लिया है। इसके ऊपर सिर्फ वो एस लिखा हुआ है तो बस वो लिखना रह गया है, एस लिखें तो बिल्कुल जो है सेम टू सेम वो लोगो बन चुका है। तो अब हमें इसके अंदर कलर की भी जो है कोई परेशानी नहीं होगी, कलर सेम टू सेम आ चुका है। इसी तरह मजीद उसके अंदर देख लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट जो आगे टूल पढ़ेंगे उस पर हम पढ़ेंगे कि दो कलर मिक्स कैसे लगाए जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लगाया है राइट साइड से वाइट है और लेफ्ट साइड पर आके ब्लू हो रहा है, तो वो मैंने आपको ये समझाने के लिए लगाया कि अभी आई ड्रॉपर टूल के अंदर कुछ ऑप्शन हैं सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास वन बाय वन लिखा हुआ है, अगर ये वन बाय वन होगा ये सिलेक्ट होगा तो हम जिस जगह पर भी जाएंगे हमारी ये जो हमारा जो टूल है उसकी जो उसका जो उसकी जो निब है उसकी जो नोक है वो जहाँ पर होगी उसके क्लिक पे, यानी कि वो जिस पिक्सल की नोक पर होगी जिस पिक्सल के ऊपर हमारी नोक होगी उस पर क्लिक करेंगे वहाँ से कलर उठाएगा और फिर जहाँ भी हमने लगाना है हम उसको वहाँ पर लगा सकते हैं। जैसा कि हमने
जो है यहाँ से कलर उठाया है, यहाँ पे लगा सकते। इसी तरह हम चाहते हैं कि नहीं सिर्फ ये एक पिक्सल से ना दिखे, बल्कि जहाँ पर मेरा माउस का जो एरो है, जहाँ मेरा टूल की नोक है, निब है, वहाँ से दो जो पिक्सल हैं उनका एवरेज कलर जो है वो सिलेक्ट करें। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम कहीं जाएंगे तो जहाँ पर हमारे माउस जो टूल की निब है उससे दो पिक्सल का जो एवरेज कलर है उसको सिलेक्ट करें, क्लिक करेंगे तो वो। इसी तरह अब हम 5x5 है कि 5 पिक्सल सेलेक्ट करें तो 5 पिक्सल का जो एवरेज कलर है वो सिलेक्ट करेगा, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इस तरह से हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं। कल यहाँ पर हमारा सिलेक्टेड कलर आ रहा है। उसके अलावा हम यहाँ से ऐड टू पैलेट, अगर हम ऐड टू पैलेट पर क्लिक करें तो आ रहा है डॉक्यूमेंट पैलेट। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट पैलेट पर क्लिक करेंगे, देखिए ये जो पैलेट आपको नीचे नजर आ रही है इसको डॉक्यूमेंट पैलेट कहा जाता है। हम इस पर क्लिक करेंगे, वो नीचे पैलेट में वो कलर भी सेव हो चुका है, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। इस तरह से हम आप जो है इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल, ये टूल भी हमारी वर्किंग को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। और ये इसका यूज़ क्या है कि ये कलर और उसके अलावा आपकी जो शेप की जो अफेक्ट्स होते हैं उनको भी साथ कॉपी करके दूसरी शेप पर लगा देता है। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ कलर लगाया हुआ है, इसकी आउटलाइन का जो साइज़ है वो बड़ा किया हुआ है, इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है वो ड्रॉप शेडो लगाया हुआ है, ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर कुछ और इफेक्ट्स भी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि इसको बेहतर तरीके से समझें। हम यहाँ से एक्सट्रूड भी इस पर लगा लेते हैं, इसके ऊपर शायद हमने वो लगा दिया जी, तो हमने वो शेडो लगाई हुई थी इसलिए इस तरह का मसला कर रहा था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो है वो लगाया हुआ है, और एक्सट्रूड भी और ये शेडो भी, ये दोनों चीज़ें लगाई हुई हैं। अब हमने यहाँ पर कोई भी शेप बनाई हुई है, हम चाहते हैं कि तमाम ये चीज़ें इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, तो यहाँ से एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और जिस चीज़ की भी हमने यहाँ जो कॉपी उठानी है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दूसरी अपनी शेप पर क्लिक करेंगे तो सेम वो इफेक्ट वहाँ लग जाएंगे। अब आप यह देखें कि हमारी शेप का कलर और आउटलाइन तो सेम लग चुकी है, पर इसके अंदर जो हमने एक्सट्रूड लगाया था और उसकी जो शेडो लगाई थी वो नहीं लगी। क्यों नहीं लगी कि यहाँ पर हम एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करें तो ऊपर जो ऑप्शन बार हैं, ऑप्शन बार के अंदर इसकी ऑप्शन आ रही है, उसमें प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है आउटलाइन फील और टेक्स्ट, ये तो कॉपी हो, ट्रांसफॉर्मेशन में साइज रोटेशन पोजिशन ये अनचेक है, इसी तरह अफेक्ट्स में सारा कुछ ही अनचेक है। अगर हम यहाँ पर ऐसे करें कि एक्सट्रूड यहाँ कहाँ लिखा है ये इस पर टिक कर दिया, ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर दिया, ये भी कॉपी हुआ करें। इसी तरह से हमने एक इसके अंदर साइज और एक रोटेशन पे क्लिक करके ओके कर, अब हम इसकी कॉपी उठाते हैं इस पर लगाते हैं, आप देखें एक्सट्रूड भी लग चुका है और शेडो भी लग चुकी है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने यहाँ पे कोई शेप बनाई हुई है, उसको कोई कलर लगाया हुआ है, उसकी आउटलाइन का जो है साइज वो ज़्यादा किया हुआ है और जो है उसको हमने किसी एंगल पर घुमाया हुआ है। इसी तरह अब यहाँ पर हमने एक शेप बना ली दोबारा रेक्टेंगल, इस पर हमने कुछ नहीं लगाया हुआ, और एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप देखें सेम इसी एंगल पे घूम गया है। सेम वो एंगल पर क्यों घूमा है, क्योंकि हमने ऊपर जो ऑप्शन बाद में इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है उसमें हमने यहाँ पर रोटेशन भी कहा था और साइज भी कहा था कि अगर हमारी किसी चीज़ का साइज छोटा सा है तो साइज भी ऑटोमेटिकली इसका कॉपी होके इस पर लग जाएगा। तो ये हमारे दो टूल थे जो आपकी वर्किंग का बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं, और आप जब कोई एक शेप बना रहे हैं या कोई और चीज़ इफेक्ट किसी पे दूसरे पे अप्लाई करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेन टूल का आउटलाइन पेन टूल को देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।